इस वीडियो का टॉपिक है समास। तो हमारे NCISM के MUHS के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में चार समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो एक एक करके ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संधि और समास में डिफरेंस क्या होता है। हमारे सिलेबस में संधि भी है, तो संधि और समास में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे। तो जो संधि जो होता है, हम बोलते हैं कि वर्णों का मिलन होता है, मतलब लेटर्स के बीच में बनती है। और समास जो होता है वो पद का मिलन होता है, मतलब वो वर्ड्स के बीच में बनता है। जब वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तब समास बनता है, जब लेटर्स को ज्वाइन करते हैं तब संधि बनती है। जब संधि बनती है तब वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होता है, और जब समास बनता है तब मीनिंग चेंज हो जाता है। और संधि जो है पद, पद मध्य और समास में होता है, पर समास जो है वो सिर्फ सुबंत में होता है। तो समास जो होता है वो दो पद का मिलन होता है। तो दो पद कौन से होते हैं? पूर्व पद जो पहले लगता है और उत्तर पद जो बाद में होता है। तो जो समास में पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पूर्व पद प्रिडोमिनेंट होता है, वो समास को बोलते हैं अव्ययीभाव समास। और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान है वो होता है द्वंद्व समास। और जिसमें कोई अन्य पद प्रधान है, मतलब जो समास के जो दो पद थे, ये दो पद पूर्व पद और उत्तर पद, इन सबको छोड़ के कोई और ही पद प्रधान है, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी चार टाइप्स हैं, जिसमें तत्पुरुष समास में हमने देखा था कि उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद का पद प्रधान होता है। अब इसके चार टाइप्स हैं: विभक्ति, कर्मधारय, कर्मधारय कोई समानाधिकरण या प्रथम विभक्ति वाला बोलते हैं, द्विगु और नौक्य। सबसे पहले हम देखेंगे द्विगु। समास का बेसिकली कैसे पढ़ना है कि इनका सबका एक एक एग्जाम्पल रट लेना है। तो जैसे आप पेपर में देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इस टाइप का समास है, तो आपको उसके जो एग्जाम्पल आपने लर्न किया था उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका विग्रह कैसे करना है। विग्रह करने के लिए, सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अगर उसको शॉर्टकट में सीखना है तो आपको एक एक एग्जाम्पल इसका लर्न कर लेना बेटर रहेगा। तो द्विगु समास जो है, इसमें इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर पेपर में कोई वर्ड ऐसा, समास ऐसा आ रहा है जिसमें वर्ड नंबर मेंशनड है, जिसे त्रिफला, त्रिफला मतलब तीन फल का कॉम्बिनेशन होता है, अम्ल की, हरित की, विभेदक की। तो ये जो त्रिफल है इनका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें आपको त्रि दिख रहा है, मतलब कोई नंबर दिख रहा है, तो ऐसा समास जिसमें आपको स्टार्टिंग में नंबर दिख रहा है, जैसे त्रिफला, तो इसका विग्रह क्या होगा? त्रयाणाम फलानाम समाहार। आपने त्रिफला का त्रयाणाम फलानाम समाहार लर्न कर लिया, तो अभी आपको अगर सपोज पेपर में त्रिकटु आ गया तो आप उसको कैसे लिखोगे? त्रयाणाम कटुनाम समाहार। अब ऐसे ही त्रि के जगह पंच आ गया, पंचकर्म, पंचानाम कर्मानाम समाहार। ये हो गया द्विगु समास, ठीक है। अब फिर नौग्य समास, इसका भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजी है। नौग्य समास में आगे न आता, मतलब अवैध्य आता है, सॉरी अ आता है, जिसको हम न बना देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है अवैध्य का न वैद्य। अब आपने याद कर लिया कि अवैध्य का न वैद्य होता है, तो अभेषज का क्या होगा? न भेषज होगा। अनुपलब्धि का क्या होगा? न उपलब्धि होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, न का सॉरी अ देख के हम न बता देते हैं, या न देख के अ बता देते हैं, ठीक है। ये समास जो है अभाव डिस्प्ले करता है उत्तर पद का, ओके। तो ये था नौग्य तत्पुरुष समास। अब इसके बाद में द्वितीय तत्पुरुष समास। हमारे सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन है कि सूत्र समास के पूछने नहीं है, बट फिर भी हम MCQ बेसिस के लिए एक बार उसको ओवरलुक कर लेंगे। संधि के सारे सूत्र आपको विग्रह करने के टाइम लिखने होंगे, पर समास के नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो तत्पुरुष समास के सारे सूत्र आप सिलेबस में से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम द्वितीय देखते हैं। अब ये जो तत्पुरुष समास के जो विभक्ति वाले पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनके वर्ड्स लर्न कर लेने हैं। ये वर्ड्स अगर आते हैं तो ये वाला समास होगा, क्लियर है। जैसे द्विगु में हमने देखा कि नंबर आएगा, नौग्य में न या अ आएगा। तो जो तत्पुरुष समास है, इसमें द्वितीय तत्पुरुष में एंडिंग में वर्ड्स क्या होते हैं? श्रित, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, बुभुक्षु। ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। एग्जाम्पल, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वैद्याश्रित। वैद्याश्रित का विग्रह करेंगे तो कैसा होगा? वैद्यम श्रित। श्रित तो ऐसे कैसे हम लिख देंगे? वैद्यम जो वर्ड होगा वो कौन से समास है? द्वितीय। हमने श्रित देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा पूर्व पद वो द्वितीय में हो जाएगा, ओके। अभी आपको जैसे अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, बुभुक्षु ये वर्ड लिख जाए तो ये सीधे सीधे द्वितीय तत्पुरुष समास होगा।
अब तृतीय देखेंगे। तो तृतीय में हमने अगर हमको ऐसे वर्ड्स दिख जाते हैं जैसे कि पूर्व सदृश सम अनर्थक कलह मिश्र सम्मिश्र लक्षण, सॉरी मैं इसका मीनिंग बताना भूल गई। श्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, अतीत का होता है एक्सट्रीम, पतित का मतलब गिरना, गत का मतलब होता है अक्वायर्ड, अत्यस्त का बियॉन्ड और बुभुक्षु का होता है हंग्री। अब तृतीय में अगर आपको ऐसे वर्ड्स कहीं क्वेश्चन में दिख रहे हैं, पूर्व सदृश सम उनर्थ कलह मिश्र सम्मिश्र लक्षण, ये वर्ड्स दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ईटिंग आइटम इज मिक्स विद फूड, या फिर मिश्र सम्मिश्र मतलब मिक्स होना, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये होगा तृतीय तत्पुरुष समास। अब इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी इसका मीनिंग पहले, पूर्व का मतलब बिफोर होता है, सदृश का मतलब लाइक, सम का मतलब लेस, उनर्थ का लेस, मिश्र और सम्मिश्र का मिक्स्ड होता है और लक्षण का सॉफ्ट होता है। ओके तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका है मास पूर्व, मास पूर्व, मासेन पूर्व। अब हमने इसका विग्रह कैसे किया, सबसे पहले हमने पूर्व वर्ड देख लिया, पूर्व वर्ड देख के हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि एक तृतीय तत्पुरुष समास है, तो पूर्व ऐसा कैसा लिख दिया। अब जबकि ये तृतीय तत्पुरुष समास है तो इसका जो पूर्व पद होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। तो देव का तृतीय विभक्ति क्या होता है, देवेन, देव मतलब अकारांत पुल्लिंग वाला टेबल हम चल रहे, तो मास का क्या होगा, मासेन होगा। उसी तरह से ये सब में भी सब में तृतीय विभक्ति लगी और आगे तृतीय विभक्ति का जो वर्ड हमने असाइन किया वो है। ओके फिर चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है। अगर आपको एंडिंग में तदार्थ अर्थ बलि हित सुख और रक्षित ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं तो इसका क्लियर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। जैसे हमने एग्जांपल देखा रुग्णार्थ, इसमें हमको अर्थ दिख गया तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक चतुर्थी तत्पुरुष समास का एग्जांपल है। तो अब आप ही बताइए कि रुग्ण में हम कौन सी विभक्ति डालेंगे, यस चतुर्थी विभक्ति डालेंगे। तो देव टेबल के अकॉर्डिंग चतुर्थी विभक्ति कौन सी होती है, देवाय, इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा फिर, रुग्णाय। ठीक है फिर आगे जो भी वर्ड है रुग्णाय अर्थ भी लिख सकते हैं और ये अयम इति भी लिख दिया है। ओके अब भूत बलि है तो इसमें भूतेभ्य बलि कर दिया है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ओवरलुक कर लेने हैं, आपको पेपर में देखते से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इसका था। मोस्टली जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड आते हैं, 2023 का भी पेपर जो था मोस्टली बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चंस आए थे, तो बस एक बार सबको ओवरलुक भी कर लिया कि इसका विभक्ति ऐसा होता, सॉरी इसका विग्रह ऐसा होता है तो ईजी हो जाएगा। अब पंचमी तत्पुरुष समास, हमको अगर समास में ऐसे वर्ड दिख रहे हैं भय भीत भीति भी मुक्त और आगत, ऐसे वर्ड अगर दिख रहे हैं, या अपेत अपोर मुक्त पतित अपत्र दिख रहा है, ये सब अगर दिख रहे हैं तो ये क्लियरली कौन सी विभक्ति होगा, पंचमी। ठीक है अब सबसे कॉमन एग्जांपल है रोगभ्यम या रोग भीति, भयम वर्ड देख के हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है पंचमी तत्पुरुष समास। अब ये पंचमी तत्पुरुष समास है तो इसकी पूर्व पद की विभक्ति क्या होगी, पंचमी। देव की पंचमी विभक्ति क्या है, देवात, तो रोगात भयम। इसी तरह से अगर कोई फेमिनिन वर्ड यहाँ पे है तो हम माला के टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो माला की पंचमी विभक्ति लिखेंगे। ओके षष्ठी, षष्ठी में ऐसा कोई स्पेशल वर्ड्स मेरे को मिले नहीं है, पर हमने इसको याद करने के लिए ऐसे ही किया था कि हमने ये कॉमन वर्ड्स देख लिए थे और इसकी विभक्ति जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाता है। सप्तमी, सप्तमी में, अब सप्तमी में जो भी वर्ड्स हैं उन सबका एक ही मीनिंग है जिसका मतलब है स्किल्ड या एक्सपर्ट, शौन धूर्त प्रवीण उत्तर अधि कुशल निपुण सिद्ध शुष्क पक्व। इसमें से कोई कोई वर्ड्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे और इन सबका मीनिंग एक ही है कि ये स्किल्ड या एक्सपर्ट है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है चिकित्सा शौंड, चिकित्सा शौंड। अब हमने शौंड देख के आइडेंटिफाई कर लिया कि सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, तो शौंड ऐसे कैसे लिख दिया, और चिकित्सा का सप्तमी क्या होगा, चिकित्सेषु शौंड। ओके तो हमारे द्वितीय तत्पुरुष हो, द्वितीय तृतीय सप्तमी तक के हो गया है, द्विगु हो गया है और नौग्य हो गया है। अब हम देखेंगे प्रथम विभक्ति जिसको हम कर्मधारा या समानाधिकरण भी बोलते हैं, इसमें बहुत डिटेल में लिखा है बट आपके सिलेबस में सिर्फ ये विशेषण विशेष्य बहुलम और उपमानपी सामान्य वचने ये दिया है, तो हम इसको शॉर्ट में देख लेंगे। विशेषण विशेष्य पे एक सेपरेट वीडियो भी है और विशेषण विशेष्य का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं एडजेक्टिव और नाउन, तो विशेषण जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और विशेष्य जो होता है वो नाउन होता है। एडजेक्टिव मतलब जो हमको नाउन की कोई क्वालिटी के बारे में बता रहा है, जैसे कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, तो कृष्ण जो है वो सांप के बारे में क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है तो ये क्या होगा, विशेष्य होगा, और किसके बारे में कर रहा है, कृष्ण के बारे में, तो ये होगा विशेष्य।
ओके सो अगर हमको ऐसा कोई एग्जांपल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दीर्घ वृक्ष है, वृक्ष कैसा है, दीर्घ है, मतलब वृक्ष की क्वालिटी बता रहा है, तो ये कौन सा हुआ, विशेषण विशेष्य हो गया, कर्मधारय हो गया, दीर्घ वृक्ष, ये ऐसा का ऐसा प्रथम विभक्ति में उसको सेपरेट करके लिख देंगे। नीलोत्पलम नीलम उत्पलम, ये कॉमन एग्जाम्पल है। नीर शार्दुल भी नीरह शार्दुल। अब उपमान, उपमान आप पदार्थ में भी पढ़ते हो, उपमान का मतलब क्या होता है, रिजेम्बलेंस होता है अगर एक वर्ड में बताए तो, या सिमिलैरिटी। तो जैसे वज्र कोठरम है, इसका विभक्ति जो हमने विग्रह जब किया तो वज्र कोठर ईव कोठरम आया। ईव हम तब लगाते हैं जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब वज्र जैसा, वज्र और कोठर, तो ये जो और है वो ईव है। तो वज्र और कोठर रिजेम्बल करते एक दूसरे से, और जैसे कुसुम और कोमल करते, तो ये कौन सा हुआ, उपमान। ओके इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, पर ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास, और ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे जो मैंने पेपर के लिए प्रैक्टिस किए थे, तो आप भी इसको ओवरलुक कर सकते हैं एक बार। अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में जैसे बताया कि अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान मतलब जो दो पद समास में दिए गए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, वो नहीं बता रहा है, कोई और ही पद के बारे में बता रहा है। जैसे 2023 के पेपर में एग्जांपल आया था लंबोदर, तो लंबोदर हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, लंब उदर जिसका है, मतलब जिसका एब्डोमेन लंबा है, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, लंबोदर किसका नाम है कॉमनली, गणेश जी का है। वर्ड दिया है समास में लंब और उदर, पर हम उससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या, वो गणेश जी के बारे में बोल रहा है, मतलब इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ये अन्य पद प्रधान हो गया, इसको बोलते हैं हम बहुव्रीही समास। ठीक है, तो बहुव्रीही समास के दो टाइप्स हैं, समानाधिकरण बहुव्रीही और व्यधिकरण बहुव्रीही। समानाधिकरण में बोथ वर्ड सेम विभक्ति में होता है, जैसे पीताम्बरम पीतम अम्बरम यस्य सः। पीताम्बर का मतलब क्या होता है, जिसके वस्त्र पीले हैं, ऐसा कौन होता है, विष्णु जी होता है। तो यहाँ विष्णु जी के बारे में बोला है, पर वर्ड क्या यूज़ किया, पीतम अम्बरम, अन्य पद प्रधान हो गया, तो क्या हो गया, ये बहुव्रीही समास हो गया। व्यधिकरण बहुव्रीही में वर्ड्स जो है उनका विभक्ति जो होता है वो विग्रह जो होता है सॉरी वो डिफरेंट विभक्ति में होता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली आपको अगर डिफ़िकल्टी जाती है ये समझने में तो एंड में यस्य सः लगा देना है। अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिक भी जाना होगा तो यहाँ मैंने साइड में मेंशन किया है कि द्वितीय अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो यम सः लगाते हैं, तृतीय में येन सः, चतुर्थी में यस्मै सः, पंचमी में यस्मात् सः, षष्ठी में यस्य सः और सप्तमी में यस्मिन् सः, ये एग्जाम्पल्स हैं। अभी इसमें वीर पुरुष एग्जाम्पल कॉमन है, ये है वीरः पुरुषः यस्मिन् सः। ठीक है, उसके बाद में निर्भय भी एग्जाम्पल कॉमन है, निर्गत भयम यस्मत् सः। आप अगर ये बार बार पढ़ लोगे ना तो आपको खुद ही देख के याद आ जाएगा कि इसका विग्रह कैसा था, और मोस्टली यही वर्ड्स में से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, आप देख सकते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का सूत्र है चार्थे द्वंद्व, और द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है कि जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। अब इसके तीन टाइप्स है, इतर इतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतर इतर में जो हम विग्रह करेंगे उसमें सारे वर्ड्स सेपरेट करके लिखे जाते हैं और समास में मेंशन्ड होते हैं। समाहार में वो एक ग्रुप डिनोट कर रहा है, और एक शेष में वर्ड्स तो बहुत सारे हैं समास के अंदर, पर लिखा एक मेन जाता है मेन समास में। अभी हम इसको एग्जाम्पल देख के समझेंगे। ओके, जैसे दोष धातु मल, आयुर्वेद में ये तीनों को इम्पोर्टेंट बताया गया है, मतलब तीनों पद प्रधान है, तो दोष च धातु च मलाच, सब में बीच में च लगा देंगे, या जैसे च भी लिखते हैं, पर इसका अगर संधि विग्रह करो तो वो एंड में च ही हो जाता है। ओके, माता पितरो माता च पिता च। ठीक है, मज्जा और शुक्र दोनों भी इम्पोर्टेंट बताए गए, तो मज्जा शुक्र। ओके, मज्जा च शुक्र च। समाहार द्वंद्व, ये ग्रुप बताने के लिए होता है, अहोरात्रम मतलब बहुत सारी रात्रियों का एक कलेक्टिव, ये पर हर रात्रि इम्पोर्टेंट बताई गई होगी तो इसको समाहार द्वंद्व में हम एक ही लिख देते हैं, अहोरात्रम अहश्च रात्रिश्च। अब अगर आपने ये एग्जांपल रट लिया कि अहोरात्रम का एग्जांपल विग्रह ये होता है कि अहश्च रात्रिश्च, तो जब पेपर में अहर निशम आ जाएगा आपको समझ जाएगा कि उसको अहश्च निशश्च लिख देना है। ओके, पानी पादम पानी च पादो च। उसके बाद में एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पर लिखा एक ही जाता है, जैसे पुत्रो है, ये पुत्रों में पुत्र और पुत्री दोनों के बारे में बात की है, तो पुत्री च पुत्रश्च। पितरो, पितरों में माता और पिता दोनों का वर्णन है पर लिखा सिर्फ पितर गया है, पिता लिखा गया है,
पर उसका विग्रह करेंगे तो माता च पिता च होता है। ये एग्जाम्पल्स आप जितने देख लेंगे उतना आपको अच्छे से आते जाएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, जैसे जैसे आप एग्जाम्पल ओवरलुक करेंगे समझते जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास बेसिकली इसमें क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय हमने सिलेबस में देखा है। अव्यय का मतलब क्या होता है, दो टाइप के अव्यय होते हैं, उपसर्ग और निपात, मतलब सफिक्स जो होते हैं बेसिकली, हम इंग्लिश में जो सफिक्स बोलते हैं या जो वर्ड के मूल धातु के आगे जो लगते हैं उसको बोलते हैं अव्यय बोलते हैं। और ऐसा समास जिसमें आगे अव्यय लगता है उसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। ठीक है, इसमें कौन सा प्रधान होता है, पूर्वपद प्रधान होता है, नपुंसकलिंग एकवचन के लिए होता है, बट हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ये सब का काम नहीं है। अब बेसिकली आपको सारे उपसर्ग के नाम पता होने चाहिए, तो उपसर्ग के नाम आपके सिलेबस में भी मेंशन है, प्र परा अपसम अनु अवनिस्ने दुस्तुर वी आनी अपि अधि अति सु उत अभी प्रति परि उप, ये आपको 22 उपसर्ग है, इसके नाम और मीनिंग पता होने चाहिए। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अब अगर आपको, आपने देख के तो आइडेंटिफाई कर लिया कि आगे उपसर्ग है या अव्यय है, तो ये अव्ययभाव समास हो गया। पर अब इसको विग्रह कैसे करेंगे, तो अगर अधि आ गया जिसका मीनिंग रिगार्डिंग होता है, तो उसको अधि इसको लिख लेना है सप्तमी प्लस इति, तो अधि हरि आया, इति लिख लेना है इति, और जो हरि वर्ड है उसका सप्तमी लिख देना है। आपको देवन माला और कविमति तिवारी ये सब बेसिक टेबल्स जो है वो आने चाहिए, उससे पूरा हो जाएगा। उप आया, उप का मतलब होता है नियर, उपकृष्णम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, उपवद्य में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो अगर ये आ गया तो आपको षष्ठी प्लस समीपम कर देना है। उप का मतलब क्या होता है, समीप होता है, नियर होता है, तो समीपम लिख देना आगे और इसकी षष्ठी कर देना है, तो कृष्ण से समीपम, वैद्य से समीपम, ऐसा। नीरह, नीर मतलब एब्सेंस या अभाव जो बताता है, तो इसका जो हम करेंगे षष्ठी प्लस अभाव कर देंगे, निर्बलम मतलब बलस्य अभाव, निर्दोषम दोषस्य अभाव, ऐसा आगे का। ठीक है, अनु, अनु का मतलब आफ्टर होता है, तो अगर अनु आ गया तो आफ्टर का मतलब दूसरा संस्कृत में वर्ड क्या होगा, पश्चात होगा, तो षष्ठी प्लस पश्चात कर देना है, तो अनुकर्मम का क्या होगा, कर्मस्य पश्चात, ऐसे ही आगे का। अब अनु का एक और होता है सूटेबल, वो आपको एग्जांपल देख के समझ जाएगा कि किस अनु की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अनु को षष्ठी प्लस योग्यम कर देंगे। अब आप रूपस्य पश्चात तो नहीं करोगे, रूप के बाद ऐसे कोई सेंटेंस नहीं बनेगा ना, समास नहीं बनेगा, तो रूप का योग्य होना चाहिए, योग्य ये बता सकते हैं ना, तो अनुरूपम का क्या होगा, रूपस्य योग्यम। यथाशक्ति का आप अगर याद कर ले, जैसे मेरे को हमेशा से याद है कि यथाशक्ति का होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, तो जब मेरे को यथा याद आता है, दिखता है, तो मैं सबसे पहले उसके वर्ड लगा देती हूँ और आगे अनतिक्रम्य लगा देती हूँ, और शक्तिम अगर मुझे याद है तो मेरे को पता होता है कि वो द्वितीय विभक्ति में। जैसे मेरे को निर्बलम याद है, तो निर्बलम से मैं बलस्य अभाव मुझे याद है, तो जब मेरे को निर्दोषम दिखता है तो मैं दोष से अभाव अपने आप लिख सकती हूँ। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप एक एक एग्जाम्पल भी कर लो तो आप उससे बना सकते हो। ये फॉर्मूला मैंने एग्जाम्पल से ही देख देख के बनाए हैं। ओके, प्रति, प्रति का मतलब होता है रेपिटेटिव, रेपिटेटिव मतलब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, या दिनम दिनम प्रतिदिनम भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे याद है कि प्रतिदिनम का है दिनम दिनम प्रतिदिनम, तो मैं प्रतिवर्षम का लिख लूंगी ना, वर्षम वर्षम प्रतिवर्षम, वासर वासर प्रतिवासरम, ऐसा। अब स, स अगर आ गया तो तृतीया प्लस सहितम या तृतीया प्लस युगपद दोनों भी लिख सकते हैं, ये हैश है। तो स चित्रकम, तो चक्रेण युगपद, स जलौकम, जलौका भी युगपद, तृतीया किया है, तृतीय विभक्ति की है। ओके, तो समास के मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इसका जो भी आपको कंटेंट चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बुक्स की भी पीडीएफ और सारे सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर की बीएमएस की सारी पीडीएफ्स, क्वेश्चन पेपर्स भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।